नमस्कार दोस्तों, डीकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम लोग विज्ञान विषय का भौतिकी लगभग समाप्त करने की ओर हैं। आज हम इसका सेकंड लास्ट को हिंदी में बोलते हैं अनंतिम, ठीक है। तो आज हम अनंतिम चैप्टर करेंगे, इसका सेकंड लास्ट चैप्टर कर लेंगे, प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कार, है ना। प्रमुख जो जो आविष्कार हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, किस किस का नाम उससे जुड़ा हुआ है, बहुत बेसिक से सवाल हैं, बेसिकली फैक्चुअल रहेगा। 45-50 मिनट में खत्म हो जाएंगे, 60 सवाल लगभग हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसकी, और कल एक क्लास और आपकी इसकी हो जाएगी, भौतिकी की विविध जो अंतिम सवाल हैं, 70-80 सवाल एक घंटे की। उसके बाद आपका फिजिक्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग यूपी स्पेशल शुरू कर लेंगे जिसमें 10 से 12 कक्षाएं होंगी घटना चक्र वाली, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, देखते हैं क्या है। तो चैप्टर है हमारा प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारक या आविष्कार, ठीक है। चलिए तो सवालों के माध्यम से फैक्चुअल है, आज समझाने जैसा ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, समझते चलेंगे चीजों को, ठीक है, मतलब याद करते चलेंगे, कोशिश करेंगे हमेशा की तरह कुछ टंटा वंटा मिला के अपना याद कर ले, ठीक है। चलो तो पहली चीज आ जाती है मशीन गन, ठीक है। तो मशीन गन का आविष्कार किया गया था, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, तो बहुत खतरनाक चीज थी मशीन गन, आज समझ पा रहे हो। एक तो मैं सिंपल आपसे कट्टा ठोक रहा हूं, एक मशीन गन दूदू करके लगातार चल रही है, तो मशीन गन कैसी है, बहुत बियर्ड चीज है ना, बियर्ड चीज है। तो जेएल बियर्ड थे मशीन गन के आविष्कारक, मशीन गन का आविष्कार आपसे पूछ रहा है किसने किया, तो जेएल बियर्ड द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये चचा जो आपको दिख रहे हैं गैलीलियो भाई साहब हैं, ठीक है। तो गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार आपसे पूछे, है ना, प्रारंभिक थर्मामीटर पूछ ले, थर्मोस्कोप पूछ ले, आधुनिक तो वो नए नए तरीके से चलने वाला सिस्टम है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, गैलीलियो, ठीक है। प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेसिक है, ये चीजें आपको प्रायः पता होंगी, ठीक है, जो नहीं पता होगा थोड़ा टफ होगा उसको अपन याद कर लेंगे। चलो दूरबीन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अब तो आजकल तो कैमरे वाला सिस्टम आ गया, हमारे जमाने में होती थी दूरबीन, ठीक है, बर्थडे पे कोई दूरबीन गिफ्ट कर देता था तो ओ हो जन्नत की प्राप्ति हो गई है ना, और दूरबीन छत पे ले जाके दिखते थे कि सामने वाली छत पे दीदी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है। चलो तो दूरबीन से क्या देखते थे, खैर बात की चीजें हैं। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, ठीक है, गैलीलियो ने, तो ऑप्शन नंबर ए। तीसरे का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोस्कोप, देखो माइक्रो से मतलब ये, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ठीक है, माइक्रो सूक्ष्म, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, हिंदी में इसको सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप से अपन क्या देखेंगे, छोटी ही चीज देखेंगे, भाई माइक्रो है तो उसका नाम तभी तो माइक्रो है, तो दूर की वस्तु है तो किससे देख लेते हैं, दूरबीन से, जिसका आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो चचा ने, ठीक है। पास की वस्तुएं जो होंगी वो किससे देख लेंगे, वो तो हम अपनी आंखों से देख लेंगे, छोटी वस्तुएं या सूक्ष्म और पास की वस्तुएं, तो जो छोटी वस्तुएं होती हैं, बहुत सूक्ष्म जो वस्तुएं होती हैं, बेसिकली उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है, तो जब प्रश्न पूछा गया था उस समय विश्व की विशालतम दूरबीन मानते थे अपन आइस क्यूब को, ठीक है, आइस क्यूब आज भी यही है संभवतया विशालतम दूरबीन है, मतलब समझ रहे हो आप कि 10-20 किलोमीटर दूर तक का दिखाने वाला और ज्यादा दिखाने वाली, तो विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है, आइस क्यूब, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा नहीं, आइस क्यूब। चलो आगे चलते हैं, पूरी क्लास फैक्चुअल है आज की, ठीक है, कोशिश करेंगे कि जो चीजें हैं वो याद करते चले। चलो अब सुमेलित करने के लिए आपसे कह रहा है, सुमेलित कीजिए, टाइपराइटर, एक्सरेज, रेडियो और सेफ्टी लैंप। देखो भाई साहब, पहले अपन क्या जलाते थे, अगर आपको ध्यान हो तो डिवरी जलाते थे ना, डिवरी या कहीं कहीं डब्बी उसको लिखा मिलेगा, डब्बी जला के हम लोग पढ़ते थे, फिर ये चचा अपने थे डेवी या डिब्बी, इनको आया गुस्सा, बोले अब मैं बना देता हूं सेफ्टी लैंप, क्यों, ये डिब्बी से सेफ्टी नहीं है भाई साहब, गिर गई कॉपी किताब कुछ जल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो इन्होंने क्या बना दिया, सेफ्टी लैंप बना दिया, किसने, डेवी या डिब्बी, याद रखोगे ऐसे ही करके लिख लो, जो बकवास करता हूं किताब पे लिख लिया करो, डी का पहला। अब देखो अगर आपको पता है
कंफर्म डी का पहला है तो आपका आंसर अपने आप मिल गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। जो आपका एक्सरे है, एक्सरे बहुत बार पूछा गया है, ये तो आपको मुझे लगता है अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको याद होगा है ना, रोएंटजन, ठीक है, रोएंटजन, कहीं रोजेंटेन लिखा होगा तो रोएंटजन आप याद रखोगे, एक्सरे के आविष्कारक हैं, ठीक है। रेडियो, रेडियो के आविष्कार कौन से हैं, मार्कोनी, ठीक है, ये भी अपन बचपन से पढ़ते आते हैं कि रेडियो का आविष्कार, फोन का, टेलीफोन का आविष्कार, ग्राहम बेल, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियो के आविष्कारक कौन है, मार्कोनी है। सी का फोर्थ, देखो सी का फोर्थ है, बी का तीसरा है, और बचा ए टाइपराइटर। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, शोल्स ने। तो याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, कि जो टाइपराइटर नहीं होता था टक टक करके टाइप करने वाला, उस पिक्चर पे चले जाओ, कहां नायक मूवी में है ना, वो जो उसका क्या कहते हैं, सफाई नहीं होने के कारण कहता है इनका इस्तीफा लिखो, तो टक टक तुरंत इस्तीफा संग में लेके चलते हैं ना, वाला टाइपराइटर। तो उसमें क्या होता है, सारी चीज शो होती रहती है हमें, ठीक है, सारी चीज शो होती रहती है। तो टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, सोल्स ने। तो इसके ब्रैकेट में लिख लेना शो होती रहती है, ताकि अगर अभी मैचिंग में तो लगा लोगे, लेकिन सिंगल पूछ ले कि टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया है, तो आपको तकलीफ ना जाए इसलिए याद रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सिक्स का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विलहेल्म रोएंटजेन ने किसका आविष्कार किया, पीछे अपन देखते आए हैं, कई बार ये सवाल पूछा गया है मैचिंग में भी, सिंपल भी है ना, सिंगल भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो रोएंटजेन को याद रखोगे किसका आविष्कार किया है, एक्सरे मशीन का, ठीक है। जो आप साधारणतः कभी एक्सरे तो तभी कराते हैं अपन जब हड्डी हड्डी टूट जाती है, ठीक है, तो वो एक्सरे से क्लियर कट पता चल जाती है, क्योंकि वो मांस को तो भेद लेती है, मतलब शरीर से भेदती हुई निकल जाती है, बेसिकली इमेज आ जाता है उसका, और कुछ नहीं है। चलिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता थे, ठीक है। तो इसमें से विलियम हेनरी ब्रेग जो है ना, विलियम हेनरी ब्रेग और इनके बेटे थे लॉरेंस ब्रेग, है ना, लॉरेंस ब्रेग, तो इनको साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था एक्सरेस का। इन्होंने पूरा स्पेक्ट्रोमीटर निकाला था कि ऐसे ऐसे सिस्टम है एक्सरेस का, पूरा एक्सरेस का ये है ना, एक तरह से डिटेल मान लो। तो उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको, विलियम हेनरी ब्रेग और लॉरेन हेनरी, लॉरेन ब्रेग करके दो पिता पुत्र थे साथ में, ठीक है। चलिए, तो एर्थ का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। काफी पुरानी बात है, 1914-15 के आसपास मिला था आई थिंक। चलो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए आविष्कार के साथ। लो साहब कर देंगे, सर आप बार बार बता रहे हो, तो रोएंटजेन जो है ना, रोएंटजेन, ठीक है, रोएंटजेन, क्योंकि जैसे मैंने पहले ऐसे याद कर रखा था, मुझे याद नहीं होता था, अब तो खैर याद हो गई ये चीजें। तो रोएंटजेन एक्सरे जो होता था ना पहले, अब तो 150-200 रुपए का हो जाता है, सरकारी अस्पताल में चले जाओ तो वो फ्री हो जाएगा, 30-40 रुपए की रसीद कटती है। पहले एक्सरे ना 1000-2000 रुपए के होते थे, जब मशीनें नई नई थी, बहुत महंगे होते थे। तो एक्सरे से क्या करता था, रुला लेता था एक्सरे किसको, जनों को। तो रोएंटजेन लोग रो जाते थे एक्सरे के मारे, हाय मैया जितने का पेन नहीं टूटा उससे ज्यादा का एक्सरे हो लिया, ठीक है। तो रोएंटजेन ने किसका आविष्कार किया, एक्सरे का। बी का तीसरा देखो किसमें है, लो बी का तीसरा इसमें है, बी का तीसरा इसमें है, जॉन गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग ने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जो आपकी छपाई कारखाना या छापा खाना जिसको बोल सकते हैं, है ना। तो जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था, प्रिंटिंग प्रेस का। तो ए का दूसरा भी देखो दोनों में है। अब आ जाओ माइकल फेराडे और ग्राहम बेल। तो भाई साहब ग्राहम बेल जानते हैं टेलीफोन का आविष्कार, जिसको ना पता हो कंफ्यूजन होता हो याद कर लेना, बेल मतलब बेल रिंग करती है ना, तो टेलीफोन की तो घंटी रिंग करती है ट्रिंग ट्रिंग, तो याद कर लेना बेल किसकी बजती है, टेलीफोन की। तो ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया, टेलीफोन का, मतलब डी का पहला होना चाहिए, डी का पहला, एक मिनट कुछ गलती हुई है, सॉरी, है ना, डी का पहला होना चाहिए, तो डी का पहला और ए का दूसरा, हाँ ठीक है, डी का पहला है, एक मिनट, डी का पहला, ए का दूसरा हो जाएगा आपका जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, बी का तीसरा रोएंटजेन एक्सरे। हाँ हमने कुछ मिस्टेक कर ली, बताया तो सही है। और फेराडे किसका हो जाएगा, डायनमो, ठीक है, डायनमो। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, मतलब बताने में कुछ मिस्टेक नहीं हुई थी, यहां टिक करने में कोई मिस्टेक हो गई थी, तो इस हिसाब से आप याद रखोगे, है ना, इस हिसाब से आप ऑप्शन को याद रखोगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, ओ हो, ठीक है, ये तो अपन को पता ही है ना, भाप के इंजन का आविष्कार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में तो कहानी भी होती है, जेम्स बार्ट, ठीक है, जेम्स बार्ट को आप लोग याद रखोगे। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स बार्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो दसवें सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो फिर आगे चलते हैं,
अगला सवाल क्या कह रहा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? ग्राहम बेल। मैंने आपको पहले भी बताया क्या, टेलीफोन, फोन की क्या बजेगी? बेल बजेगी। कैसे बजेगी? ट्रिंग ट्रिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मेरी ये प्रयास होता है, मेरा ये कोशिश होती है कि आपको चीजें कनेक्ट करके याद करा दूं। ठीक है, रटोगे कितनी रटोगे, दिमाग की एक क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं रट पाओगे, इसलिए कनेक्ट करके चीजें याद कर लो तो ज्यादा आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। चलो, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो थॉमस एल्वा एडिसन, अपन सब लोग जानते हैं, है ना। थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया था? बल्ब की खोज की थी। इनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व से आपको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि एडिसन को मानते हैं कई सौ टर्म लगे थे, कई सौ बार लगे थे सही बल्ब खोजने में। तो उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने पूछा कि आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि आपने इतना समय हो गया आपको खोजते खोजते कि नहीं मिलेगा? तो बोले मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, बोले मैंने ये जान लिया कि इतने तरीकों से तो बल्ब नहीं बन सकता है, अब मैं उसके बाद बाद खोजता था। मतलब नकारात्मकता से भी आपको सकारात्मकता सोचनी है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ठीक है, बोले मुझे पता है कि इसमें नहीं होगा, मेरा इससे बड़ी पोस्ट पे होगा और उसके लिए लगातार मेहनत भी करते रहना है। इस तरीके से ही आपको भी सोचना है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन, इनका पूरा नाम है, तो याद रखोगे। देखो नीचे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर डी में टेरी एडिसन भी दे दिया है। तो इनका पूरा नाम जो है थॉमस एल्वा एडिसन, एल्वा आल्वा ऐसे ही लिखा मिलता है, एल्वा एडिसन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो जो इंजन है, गैस से चलने वाला इंजन है, उसकी खोज किसने की थी? डेमलर ने उसकी खोज की थी। ठीक है, इनमें से डेमलर याद रखोगे, डेमलर ने की थी। और एक जो आपकी बाइक में कार्बोरेटर होता है ना, बाइक में कार्बोरेटर होता है जो दहन में जो है थोड़ी सी हेल्प करता है, ठीक है, उसकी खोज भी इसी व्यक्ति ने की थी। बाकी डेवी, डेवी को किससे याद रखोगे? डिब्बी से। और मैंने क्या बताया, डिब्बी थी तो इन्होंने क्या कर दिया? सेफ्टी बल्ब। ठीक है, सेफ्टी बल्ब, हालांकि वो बल्ब से मतलब नहीं है उसका, भाई साहब ध्यान रखना, कहीं कहो कि अरे क्या पढ़ाते रहते हो, बल्ब से मतलब नहीं है, सेफ्टी बल्ब अलग चीज है। ठीक है, चलो याद रखने के लिए बताया सिर्फ, तो डेवी को भी याद रखना, बाकी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल चलते हैं, फाउंटेन पेन, ये भी बचपन से पढ़ते हैं अपन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे या फाउंटेन पेन की खोज किसने की? तो बटरमैन ने। ठीक है, चलो इसमें याद करने ऐसा कुछ नहीं है, पेन टेन पेन और मैन सब एक से हैं, है ना, क्या है, है? तुकान, क्या बोलते हैं इनको, तुकबंदी वाले शब्द। ठीक है, क्या टेन फाउंटेन पेन मैन सारे तुकबंदी वाले शब्द हैं। तो ऐसी गोला कर लेना किताब पे, ऐसा गोला कर लोगे ना तो आप जब भी देख रहे होगे उसको दोबारा तिबारा, तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि हाँ सर ने कुछ बताया था। रडार का आविष्कार कौन था? ठीक है, रडार का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट बाटसन। ठीक है, रॉबर्ट बाटसन को रडार का आविष्कारक माना जाता है। रडार का आविष्कारक किसको माना जाता है? रॉबर्ट बाटसन। क्लास ऐसे ही है, फैक्चुअल है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको फैक्ट के माध्यम से चीजें याद कराते चलना। ठीक है, एक प्रश्न ये भी है, क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी, मेरा मन उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष शुरू कराने का है। 10-12 क्लास में आपका पूरा पूर्वावलोकन, यूपी स्पेशल के जो सवाल आए हुए हैं पीसीएस या आरओ में, वो सब कंप्लीट कर लेंगे। आप यदि कुछ और चाहते हो या उसके बाद कुछ और चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से बताते चलना। ठीक है, कमेंट कर दिया करो ताकि हमें भी एक आइडिया रहता है कि हाँ आप लोग हमसे क्या चाह रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। ठीक है, डायनामाइट क्या है? एक तरह से मान लो बम जैसा सिस्टम, मान लो एक विध्वंसक है। ठीक है, तो डायनामाइट का आविष्कार करके नोबेल को जो है अच्छा नहीं लगा था कि मैंने ये क्या बना दिया। कभी कभी हम कुछ ऐसा बना देते हैं ना, जैसे मान लो कोई शैतान बालक हो तो उसके मम्मी पापा कहते हैं तुझे क्यों पैदा कर लिया, वैसे ही वाला सिस्टम है। तो इन्होंने कहा कि मैंने डायनामाइट क्यों बना दिया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट। तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट। ठीक है, और इन्हीं ने, स्वीडिश वैज्ञानिक थे ये अल्फ्रेड नोबेल बेसिकली, और इन्हीं की जो इन्होंने ही जो क्या कहते हैं पूरा ट्रस्ट स्थापित करा था अपना, उसी का जो पैसा है, उसी की जो चीजें हैं, उसी से ही नोबेल प्राइज आपको प्रतिवर्ष लोगों को दिया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। चलो, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो टेलीविजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन, गैलीलियो, बेयर्ड और फ्रैंकलिन। तो जेएल बेयर्ड थे जिन्होंने क्या किया था,
टेलीविजन का आविष्कार किया था, ठीक है। बेयर्ड या जेएल वेयर्ड कहीं लिखा है, ठीक है, तो आप याद रखोगे बेयर्ड है ना, टेलीविजन और टेलीफोन को क्या याद रखोगे, टेलीफोन और टेलीविजन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने याद कराया। टेलीफोन की क्या बस्ती है, बेल बस्ती है, कैसे बस्ती है, ट्रिंग ट्रिंग, तो वो ग्राहम बेल है, ठीक है। चलो, जेएल वेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है, तो अभी हमने देखा जो बेयर्ड है, जेएल बेयर्ड है, उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने बनाया है टेलीविजन। जैसे मुझे होता था, आप तो सब समझदार लोग हैं, होशियार लोग हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होता होगा, मैं अपनी कहानी सुनाता रहता हूं, बस प्रभु जी सुन लिया करो, ठीक है। चलो, मतलब एग्जाम से पहले मैं लगभग आपके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूर्वाभ लोगों ने वो सारे करा दूंगा, है ना, जाके बस दो तीन बार इनको घोट के पी जाओ ना, सवाल देखना आपके कैसे मक्खन की तरह उड़ेंगे। चलो खैर, आगे चलते हैं। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था, है ना, तो लेजर का आविष्कार इनमें से किसने किया था, 19वां सवाल आपसे पूछ रहा है, लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो थियोडोर मेमन जो है, मेमेन जो है उन्होंने क्या किया था, लेजर का आविष्कार किया था। कैसे याद रख लोगे, आजकल जो गेट आपने देखे होंगे ना, होटल्स वगैरह में जाते हैं हम लोग अपन, अच्छे होटल्स में, तो जैसे ही आप जाओगे वहां कोई खोलने बंद करने वाला गेट नहीं होता, वो सेंसर से अपने आप खुल जाते हैं, तो सेंसर की जगह लेजर याद रख लोगे, भाई से लेजर टेक्नोलॉजी उनमें है नहीं, फिर भी याद दिमाग में रखने को, तो थियोडोर, डोर अपने आप खुल जाते हैं, लेजर से खुल जाते हैं। खैर चलो, याद करने का आपका कुछ और तरीका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, जेम्स बार्ट ने बास्प का इंजन बनाया था, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, याद करके आए हैं, बिल्कुल सही बात है। एलजी बेल यानी ग्राहम बेल, ठीक है, एलजी बेल यानी ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने क्या बनाया है, टेलीफोन बनाया है, अभी पीछे पढ़ के आए थे टेलीफोन की ही बेल बजेगी। जेएल बेयर्ड पीछे पढ़ के आए हैं, दो बार सवाल पूछा है, एक बार पूछा टेलीविजन का निर्माता कौन था, एक बार पूछा जेएल बेयर्ड ने क्या बनाया था, ठीक है, तो क्या बनाया था, टेलीविजन। और एक जो था शुरुआत में पढ़ के आए थे मशीन गन, वो बियर्ड थे, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, वो बियर्ड थे, ठीक है, टेलीविजन। जे परकिंसन ने पेनिसिलिन नहीं बनाया, पेनिसिलिन किसने बनाया था, फ्लेमिंग ने बनाया है, तो परकिंसन ने पेनिसिलिन नहीं बनाया है, ये ऑप्शन गलत होगा, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अपना सही सुमेलित नहीं है। पेनिसिलिन क्या है, एक दर्द निवारक दवा है, दर्द निवारक दवा है पेनिसिलिन। चलो ठीक है, तो 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन सही नहीं है, वो जे परकिंसन ने नहीं बनाया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था, यही सवाल कई बार पूछा जाएगा आपसे, तो आप याद कर लेना क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, पूरा नाम उनका है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने क्या बनाया था, दर्द निवारक दवा है, पेनिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायो, एक तरह से एंटीबायोटिक भी है, है ना, एंटीबायोटिक भी है, ठीक है, चलो चलो, है ना, एंटीबायोटिक है, सॉरी, दर्द निवारक नहीं है, याद रखना, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होती है, जो जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की हेल्प करती है, तो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन को याद रखना, किसने बनाई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग। चलो अगला सवाल देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, तो किसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आपकी पेनिसिलिन की, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाकी एक्सरे आप देख चुके हो, किसने खोज किया था एक्सरे का, रोएंटजन ने, ठीक है, रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। टेलीफोन में देख चुका हूं, टेलीफोन की खोज किसने की थी, बेल, ग्राहम बेल, टेलीफोन की बेल बस्ती है, तो ऐसे ही ग्राहम बेल। चलो, इतने सारे लोग देख रहे हो वीडियो, वीडियो को लाइक करना, मतलब लाइक कर दिया करो तो अच्छा लगता है। सर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, तो बार बार कह रहा हूं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन एक दवा है, तो पेनिसिलिन को आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, बाकी इनकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फ्लेमिंग ने क्या खोजा, आप देख रहे हो आप कितनी बार ये सवाल आया है, मैं चाहता तो इस सवाल को सिर्फ एक बार लगा देता, सारे ईयर लिख देता साथ में, लेकिन नहीं, बार बार सवाल लाके बार बार सॉल्व कराने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में वो चीजें बस जाएं, बार बार यही बात कहता हूं मैं, ठीक है, तो रिपीटेड सवाल भी करना चाहिए हमें। फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, तो फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन, फ्लेमिंग मतलब पेनिसिलिन। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम है, ठीक है, देखो भाई क्या सुमेलित क्रम है,
रेडियम पेनिसिलिन एक्सरे चेचक। मुझे जो कंफर्म पता है सर, आप बार बार बता रहे हो, अब तो मुझे भी याद हो गया, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो मैं बी का पहला देखूंगा ऑप्शन में, मुझे ऑप्शन नंबर ए में मिलता है और डी में मिलता है। चलो, है ना, एक्सरे भी सर आप बार बार बता रहे हो, रोएंटजन बार बार बता रहे हो सर, अब तो मुझे भी याद हो गया, रोएंटजन ने खोज की थी एक्सरे की। मतलब सी का क्या होना चाहिए? फोर्थ होना चाहिए। ढूंढते हैं तो सी का फोर्थ इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाकी रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी इनके हस्बैंड थे, इन दोनों ने रेडियम की खोज की थी, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, और उसी की वजह से माना जाता है लास्ट में मैडम क्यूरी की जान भी गई थी, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं आपकी बॉडी का क्षरण करते रहते हैं, उनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, जो कि काफी हानिकारक होती है। तो ए का क्या हो जाएगा? दूसरा ठीक है। बाकी डी चेचक, चेचक क्या है? अल्वेड एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो 25वें सवाल का पहला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो एक्सरे खोजने का कहे, एक्स रेज किसने खोजी, ठीक है, एक्सरे, ठीक है, तो एक्सरे किसने खोजा था? रोएंटजेन ने एक्सरे खोजा था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देख रहे हो कितनी बार ये सवाल है, दो तीन चीज, एक्सरे आपसे कई बार पूछा है, टेलीफोन आपसे कई बार पूछा है, पेनिसिलिन आपसे कई बार पूछा है, तो एटलीस्ट जो बिल्कुल कई बार पूछे वो तो याद रखो। पेपर में सिलेक्शन कभी भी कठिन सवाल आपका गलत हो जाएगा उससे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो सबका गलत होगा कठिन सवाल, या एकाध का सही होगा, मोस्ट ऑफ दी आप में से जो पेपर देने उनका गलत होंगे, जो टफ सवाल होंगे या फिर लोग छोड़ के आए होंगे, और जो सरल सवाल होगा वो सबका सही होगा और आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, इजी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना बार बार आए हैं, काफी सरल सवाल है, इनमें से भी चीजें आती हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। 26वें का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित को उनकी खोज के क्रम में क्या कीजिए, काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले ये सब बेसिकली क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के आइटम हैं, जिनसे विभिन्न टीवी में ये सब आईसी यूज होती है, मतलब अब तो सभी चीज में यूज होती है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के आइटम है, इनमें से आपसे पूछ रहा है इनका काल क्रम अनुसार क्या है। तो सबसे पहले जो हम यूज करते थे, डायोड यूज करते थे, यानी सबसे पहले बी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। फिर हम क्या यूज करने लग गए, फिर डायोड से के बाद हम यूज करने लग गए ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो बी के बाद ए दोनों में है। फिर हम यूज करने लग गए आईसी, इंटीग्रेटेड परिपथ, आईसी है ना, इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। फिर उसके बाद भी एसएमडी है ना, जो आईसी के उस पर लगते हैं, है ना, आईसी के ऊपर लगते हैं और वो परिपथ का निर्माण करते हैं बेसिकली। तो लास्ट में ये खोजा गया है, यानी बी पहला हो और सी लास्ट में हो, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सूची एक को सूची दो से मिलाइए, सबसे बढ़िया काम यही है। किस किसने क्या क्या खोजा है? तो नोबेल जो थे ना, अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज मिलता है, उन्होंने क्या खोजा? डायनामाइट खोजा। सर ये तो मुझे कंफर्म पता है, तो ए का दूसरा देखूंगा मैं किस में है और बी में ही है, अगर मुझे कंफर्म पता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं बाकी अभी और भी चेक करता हूं, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर आप भी बार बार बता रहे हो, अब तो मेरी भी समझ में आ गया कि पेनिसिलिन कई बार ये सवाल पूछा गया है, टेलीफोन पेनिसिलिन है ना, ये कई बार पूछे गए हैं। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन। तो बी का भी तीन है, ठीक है। फिर चार्ल्स डार्विन, अपन जब बायोलॉजी की शुरुआत पढ़ते हैं, बायोलॉजी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले विकास का सिद्धांत ही पढ़ते हैं चार्ल्स डार्विन का। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यक्ति डार्विन के सिद्धांत से अपरिचित होगा, ठीक है। तो सी का क्या होना चाहिए? पहला, सी का पहला है। और मैडम क्यूरी पीछे भी पढ़ के आए थे, मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, दोनों ने, क्यूरी दंपत्ति ने क्या की थी? रेडियम की खोज की थी। तो डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 28 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल क्या होता है बेसिकली आपको पता ही होगा, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अंतरिक्ष में ऐसा, या ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र जहां
पर जिसका क्या है, गुरुत्वीय बल अपने आप में बहुत ज्यादा है, वहां से प्रकाश भी जाकर वापस नहीं आ पाता है, वैसा क्षेत्र क्या कहलाता है, ब्लैक होल कहलाता है। ठीक है, उसको अदृश्य है क्योंकि प्रकाश हम देखेंगे तो तब ना किसी भी चीज पर प्रकाश की किरण पड़ती है, हमारी आंखों में वापस टकराती है तब हम देख पाते हैं, वहां जाके वो प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है और दिखता नहीं है, तो ब्लैक होल वो है। और ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ब्लैक होल सिद्धांत इसमें से प्रतिपादित किया था आपके वैज्ञानिक, भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे आपके एस चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इसी के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, साथ ही साथ ब्लैक होल बनने की उन्होंने प्रक्रिया और वो सब बताए थे। ठीक है, कि सौरिक द्रव्यमान से 1.44 गुना कोई ज्यादा होता है तब जाके चीजें, है ना, वो ज्योग्राफी में हम लोग उसको पढ़ चुके हैं तो यहां अनावश्यक उसको नहीं घुसेड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था, तो एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, है ना, उनको नक्षत्र भौतिकी, है ना, अभी हम देख रहे हैं ना ब्लैक होल का उन्होंने खोज किया था, और उसको आगे चलकर जो आपके स्टीफन हॉकिंग है उन्होंने उसको आगे चलकर और उस पर खोज की, उसको और आगे बढ़ाया है। ठीक है, चलिए, तो नक्षत्र भौतिकी के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था। 30वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर व्हाइट डार्फ या श्वेत बामन बन जाते हैं, और इससे ज्यादा जिनका सौरिक द्रव्यमान होता है वो प्रायः ब्लैक होल बन जाते हैं। ठीक है, सौरिक द्रव्यमान का क्या मतलब है, यहां जितना मास, जितना द्रव्यमान हमारे सन का है, मतलब हमारे ब्रह्मांड का जो सूर्य है ना, ऐसे ही बहुत सारे, सॉरी, हमारे सौरमंडल का जो सूर्य है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सौरमंडल हैं, तो उन सौरमंडल के सूर्यों का अगर 1.44 गुना हमारे वाले सूर्य से द्रव्यमान उससे ज्यादा होगा तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, और उससे कम पे वो व्हाइट डार्फ या व्हाइट क्या कहते हैं, श्वेत बामन तारा रहता है। ये किसने बताया था, तो ये पूरी कथा बता रहे हैं आपके एस चंद्रशेखर, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, ब्लैक होल के खोजकर्ता हैं, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 का डी। चलो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता थे, है ना। अब देखो यहां सवाल कंफ्यूजिंग करने वाला है, आविष्कर्ता आपसे पूछा है, तो सबसे पहले हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को बताया कि ऐसा कुछ होता है, और बाद में आइंस्टाइन ने उसके रूल रेगुलेशन निकाल के उसकी स्पष्ट व्याख्या की। ठीक है, E बराबर MC स्क्वायर वाला स्पष्ट व्याख्या की। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता पूछे कौन है, तो वो है हर्ट्ज। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव को किसने इलिबरेट किया, किसने बताया, तो दैट इज आइंस्टाइन। ठीक है, तो 32, ऑप्शन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर की हर्ट्ज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर पदार्थ है तो बहुत ना के बराबर इलेक्ट्रॉन्स के रूप में एनर्जी को क्या करता रहता है, अपने से प्रोड्यूस करता रहता है एनर्जी को, तो वही प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। चलो, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन किसके लिए प्रसिद्ध है, यह सवाल भी न जाने कितनी बार पूछा गया है, जैसे मैं कहता हूं हमेशा जो सवाल बार बार पूछा जाता है 2 रुपए किलो वाले सवाल है। ठीक है, चलो, हाइड्रोजन की प्रमाणिक संरचना कैसी बात कर रहे हो सर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध है, इसी के लिए इनको जाना जाता है। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर नहीं, न्यूट्रॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो किसके लिए, उनके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए ही। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए ही उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आइंस्टाइन ने व्याख्या की, कई बार यह सवाल पूछा गया है, मतलब यूपीपीसीआई 115, 16, 18 लगातार कई बार सवाल पूछा गया है। तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फिर पूछ लिया गया, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसके लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा कोई मतलब नहीं, सापेक्षिकता कोई मतलब नहीं, बोस आइंस्टाइन संख्या की कुछ मतलब नहीं। ठीक है, किसके लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, याद रख लेना। ये सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल आपको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें तो सिंपल मान के आप छोड़ लेते हो, अरे ये क्या हमारा बिगाड़ेगा, और वही आपका बिगाड़ के चला जाता है। ठीक है, वो वाली कहावत है ना, जहां काम आवे सुई वहां का करे तलवार, तो सुई सुई वाले सवाल है, और सुई सुई
उई वाले उई उई करवा देते हैं पेपर में, और ये भाई सब गलत हो गया, ठीक है। खैर याद रखना है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर सवाल वही सवाल, रिपीटेड सवाल कह रहा हूं, बार बार आया है, तो याद रखना किसके लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 36वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला, फिर सवाल वही सवाल, रिपीट सवाल, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बार बार इसीलिए लाग रहा था कि सवाल की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए आपको। चलो आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आपेक्षिकता का सिद्धांत पूछे या सापेक्षता सापेक्षवाद का सिद्धांत पूछे, ये किसने दिया था, ये भी आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया था। लेकिन याद रखना है इसके लिए नोबेल नहीं मिला है, नोबेल किसके लिए मिला है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। चलो आगे चलते हैं। आइंस्टाइन के E बराबर MC स्क्वायर में C किसका द्योतक है, तो C जो है वो किसका द्योतक है, लाइट की स्पीड का या प्रकाश की गति बताता है C। E बराबर एनर्जी बराबर MC स्क्वायर, C मतलब लाइट, ठीक है, लाइट की स्पीड। चलो अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो चचा क्या बजाते थे, वायलिन बजाते थे, ठीक है, क्या बजाते थे, वायलिन, ठीक है। 40 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बजाते थे, मतलब अब ये वही वाला सवाल है, 5 रुपए की जो स्टेशन पर किताब नहीं मिलती है, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, उसमें का सवाल है। खैर चलो पूछा है तो कोई बात नहीं, याद रख लेना, दोबारा किसी का मन हो गया, दोबारा कोई तुमसे पूछ ले फिर क्या करोगे। चलो भौतिकी में चतुर्थ आयाम है ना, फोर डायमेंशनल या 4D जिसको अपन बोलते हैं ना, चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था किसने, तो यह भी आइंस्टाइन ने दिया था। 4D क्या है, जैसे अपन एक्स वाई जेड निर्देशांक मानते हैं ना किसी भी चीज के, उसके साथ साथ इन्होंने बोला था कि टाइम भी एक वेरिएबल है, समय भी उसके साथ एक चर है, ठीक है। चलो तो चतुर्थ आयाम का परिचय किसने कराया, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टाइन ने, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, 10-12 सवाल और रह गए, फटाफट खत्म हो जाएगी कहानी। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, सीवी रमन आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं, ठीक है, सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है, और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, 1930, ठीक है। याद रख लोगे, कई बार सवाल पूछा गया है सीवी रमन से, तो सीवी रमन रमन प्रभाव की खोज, और 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की गई थी, उसी दिन भारत में क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, प्रसिद्ध भारतीय भौतिज्ञ डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, देख रहे हो सन पूछ रहे, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, दो बार पूछा गया है, 1930 में 1930 में, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको बताया रमन प्रभाव की खोज के लिए बहुत से लोग क्या बोल देते हैं कि सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वो गलत है, किसी वैज्ञानिक के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, रमन प्रभाव दिवस के रूप में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, रमन प्रभाव की इस दिन खोज हुई थी, इस वजह से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, कई बार पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं है ना, लगातार पूछा गया सवाल है, 28 फरवरी को, ठीक है, और किसके लिए मनाया जाता है, तो किसके लिए मनाया जाता है, रमन प्रभाव की खोज इस दिन हुई थी इस वजह से, ठीक है। चलो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 28 फरवरी, बाकी इनमें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, गांधी जी को इस दिन गोली मारी थी वो है, ठीक है। चलो खैर, किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये सवाल ही गलत है, किसी वैज्ञानिक का जन्म दिवस नहीं मना रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में, ठीक है ना, ये कह सकते हो कि किस वैज्ञानिक के योगदान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, तो सीवी रमन, रमन प्रभाव की खोज के लिए उस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, अगर क्वेश्चन करेक्शन में आ जाए तो, बाकी जन्म दिवस उनका उस दिन नहीं है, याद रखना है इस सवाल को, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट के तौर पर भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, चार स्टेटमेंट
स्टेटमेंट हो उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी हो, खतरनाक सवाल बन सकता है, ठीक है, तो गलत नहीं करना है। चलो, वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी? तो करंट अफेयर्स का सवाल है, 1991 में इसीलिए पूछ लिया गया है, है ना। 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी, ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीवी रमन की जन्म शताब्दी दिवस था, सीवी रमन का जन्म शताब्दी दिवस था, इसको याद रखोगे आप, है ना, सीवी रमन, तो इसलिए इस समय क्या मनाई गई थी, जन्म शताब्दी मनाई गई थी 1988 में सीवी रमन का, ठीक है। बाकी सीवी रमन से फैक्ट याद रखना, रमन प्रभाव की खोज की थी, इसी प्रभाव, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, और इसी रमन प्रभाव की खोज के दिन को 28 फरवरी को अपन क्या मना रहे हैं, नेशनल साइंस डे। चलो, हाल ही में बना द मैन हु न्यू इंफिनिटी, ठीक है, शीर्षक वाला है, 2015 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिक्चर आई थी, है ना, एक शायद ब्रिटिश पिक्चर है, द मैन हु न्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी के नाम से मूवी फेमस है, है ना। तो इसका शीर्षक चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित था? तो एस रामानुज, ठीक है, एस रामानुज के जीवन चरित्र पर आधारित ये मूवी थी, करंट अफेयर से रिलेटेड है, 2016 में सवाल पूछ लिया, 2015 में मूवी आई थी, खैर बहुत फेमस मूवी है, आप लोग भी देख सकते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया है? तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन नवीन सापेक्षता का सिद्धांत कौन दे रहा है? जेवी नार्लिकर, ठीक है, जेवी नार्लिकर दे रहे हैं नवीन सापेक्षता का सिद्धांत। तो 50वें का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब फैक्चुअल है, इसमें आप कहो सर कि समझा दो, तो इसमें समझाने ऐसा कुछ है नहीं, फैक्चुअल सवाल है, आपसे पूछ रहा है किसने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, तो जे बी नार्लिकर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, 7-8 सवाल और रह गए हैं, शायद 59 सवाल है, 5-7 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, तब तक जिसने वीडियो लाइक नहीं की है वीडियो लाइक कराओ। निम्नलिखित में से किसे, ऐसा तो नहीं सर जबरदस्ती करवाते हो आप, ऐसा कुछ नहीं भाई, किसे आपको पसंद आए तो करना, किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? बकवास सवाल है, ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना गया, हालांकि मेरा मानना यह है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं होता वो नहीं होता, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो भी इस संसार में अस्तित्व में है वो मिथक नहीं है, हर चीज का अपना कहीं ना कहीं कोई अस्तित्व है, यदि आप किसी चीज को नहीं मानते हैं तो उसके प्रति तटस्थता का भाव रख सकते हैं, सहज भाव रख सकते हैं कि हाँ भाई मुझे चीज समझ में नहीं आती, लेकिन उसको डिनाई नहीं करना चाहिए कि ये चीज नहीं होती है, इस संसार में प्रत्येक चीज का अस्तित्व है ना, हर चीज का अस्तित्व है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, कहीं ना कहीं है, इसी वजह से वो चीज आज अस्तित्व में है, पूरी तरह से मिथक कुछ भी नहीं होता है, ना ही पूरी तरह से सत्य होता है, एब्सोल्यूट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मैं भी एब्सोल्यूट नहीं हूं, आप भी एब्सोल्यूट नहीं हो, खैर चलो उस पर चर्चा फिर किसी दिन होगी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत में, जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी भारत में हम कल पढ़ रहे थे किसके अंडर में शुरू की गई थी, 1982 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP शुरू किया गया था, आपका मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंडर में, उसी प्रकार परमाणु, जो भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम शुरू किया गया था वो किसके अंडर में शुरू किया गया था, वो पूछ रहा है कि परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? तो 52वें का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। इनकी मृत्यु भी क्या कहते हैं, भारत के ना ये दुख रहा है कि हमारे बहुत बहुत बड़े व्यक्तित्व असमंजस में मर गए हैं, ऐसे ही मतलब किसी ने मार दिया, या उनकी मर्डर मिस्ट्री के तौर पर है, जैसे फॉर एग्जांपल नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस जी, या फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री रहे, होमी जहांगीर भाभा रहे, और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलो, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय कार्यक्रम के वो भारतीय जनक है, भारतीय नाभिकीय प्रौद्योगिकी के जनक भी बोल सकते हो, तो न्यूक्लियर एनर्जी में अगर कोई नई रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार का प्रावधान है, वो प्रायः दिया जाता है, ठीक है। तो होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय एनर्जी के लिए। चलिए,
आगे चलते हैं। स्टीफन हॉकिंग है, तो स्टीफन हॉकिंग क्या है आप जानते हैं, ठीक है, एक वैज्ञानिक है, ठीक है, और वो थे कि जिनका सिर्फ दिमाग काम करता था, लगभग पूरी बॉडी उनकी बेकार थी, वो उनको एक रोग था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उस वजह से धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हुआ। उनकी एक बुक है, मैंने पढ़ी है, हिंदी में पढ़ी है, ब्रह्मांड के बड़े सवालों के संक्षिप्त जवाब, है ना, इंग्लिश में बेसिकली वो इंग्लिश में है, द ब्रीफ आंसर, द ऐसे ही करके, द ब्रीफ क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर करके, इस टाइप से अच्छी किताब है। उसमें बताते हैं कि किस चीज का अस्तित्व है, ईश्वर है कि नहीं है, हाँ, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ क्या करेगी, भविष्य में हमें एलियंस किस तरीके से दुखी कर सकते हैं, उसके बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ना, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं करूंगा यहां बता के। खैर, ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग क्या है, एक वैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन और होवी जहांगीर भाभा, ठीक है, तो 55 में का आंसर क्या हो जाएगा, 55 में का आंसर होगा जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो इन्होंने भौतिक विज्ञान में देखे तो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव का देखा था कि हाँ भाई इस तरह की कोई चीजें हैं, साथ ही इन्होंने क्या किया था, एक कैस्कोग्राफ करके एक यंत्र भी बनाया था जो क्या करता था, जो पौधों में उद्दीपन होता है, उद्दीपन मतलब उनकी जो इंटेलिजेंस है उसका माप करता है कि आप ये उनको ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं ऐसा, तो जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, आप जानते भी हो, बेसिकली बचपन से पढ़ते आते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, उसकी खोज किसने की थी, इस तरीके से पढ़ते आते हैं ना। चलिए, तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, सूची मिलानी है, सूची एक में दिए गए उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों के नामों को सूची दो में दिए गए विशिष्ट उनके विशिष्ट कार्य क्षेत्रों के साथ क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए, कूट दिए हैं, आंसर कूटना है हमें। चलो खैर देखते हैं, डॉक्टर राज रमन्ना, ठीक है, राज रमन्ना क्या थे, राज रमन्ना क्या है, नाभिकीय भौतिकी के हैं, नाभिकीय भौतिकी के हैं, ठीक है। एम एस स्वामीनाथनम किस लिए जानते हैं, भारत में कृषि क्रांति के लिए जानते हैं, है ना, तो बी का क्या, इसका क्या हो जाएगा, पांचवा, यानी ए का क्या होना चाहिए, ए का हो दूसरा, बी का हो पांचवा, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी हमें मिल गया, आगे चलते हैं, है ना, यू आर राव किसके लिए जाने जाते हैं, है ना, उडुपी रामचंद्रन राव किसके लिए जाने जाते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, सी का फोर हो जाएगा। बाकी प्रोफेसर मेघनाथ साहा किसके लिए जाने जाते हैं, ऊष्मा गति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा टफ सवाल है, यूपीएससी का है, ऑब्वियसली है, लेकिन आपको याद रखना है, सेम कॉपी पेस्ट होकर आ सकता है। तो राजा रमन्ना, जैसे होमी जहांगीर भाभा के साथ साथ राजा रमन्ना भी थे नाभिकीय भौतिकी के लिए, एस स्वामीनाथन तो अपन सब लोग जानते हैं, देखो स्वामीनाथन ही आप कर लेते ना कृषि विज्ञान तो ही आपको दो आंसर मिल जाते, उन दोनों में से सही लगा लेते। खैर, यू आर राव, उडुपी रामचंद्र राव, अगर आपने नाम ध्यान होगा या आपने मूवी देखी हो, जो कौन सी मूवी आई थी जिसमें आर माधवन ने रोल किया है, रॉकेट्री, उसमें भी इनका दिखाया है, तो यू आर राव, मतलब कहीं से भी कनेक्ट कर लो, आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किसकी महत्वपूर्ण देन है, या ऊष्मीय आयनन सिद्धांत किसने दिया था, तो एम एन साहा ने, जो पिछले वाले अपन सवाल देख के आए हैं ना, एम एन साहा, मेघनाथ साहा, ऊष्मा गतिकी एवं खगोल भौतिकी के लिए फेमस है, तो वही ऊष्मीय आयनन का सिद्धांत दिया था इन्होंने, डॉक्टर एम एन साहा ने, या एम एन साहा या मेघनाथ साहा, ठीक है, मेघनाथ, एम एन साहा, ठीक है। चलो, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, अपना नाम जैसे कुछ भी फलाना ढी का डॉट, मतलब सरनेम लिखेंगे और अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ए के द्विवेदी, बी के त्रिवेदी, ठीक है, इस तरीके से। चलो खैर, तो बी हो जाएगा 57 का आंसर, बी, मतलब थोड़ा लगता है भोकाली नाम लगता है ऐसे ना। चलो आगे चलते हैं, 58, भारत में अणुबम के विकास से कौन संबंधित है, तो अणुबम जो माना जाता है, राजा रमन्ना जो नाभिकीय भौतिकी या नाभिकीय भौतिकी के लिए फेमस है, भारत में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, तो राजा रमन्ना के उसी के उन्हें माना जाता है कि जो अपना 1974 वाला प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा हमने रखा था, उसमें इनका प्रमुख योगदान था। तो वही पूछ रहा है अणुबम के लिए कौन के विकास से कौन संबंधित है, तो राजा रमन्ना, याद रख लेना, दो बार सवाल आया है, ठीक है।
होमी जहांगीर भाभा के साथ गलत मत कर देना, क्योंकि ये तो काफी अर्ली खत्म हो गए थे, उसके बाद के प्रोजेक्ट्स जो है राजा रमन्ना के नेतृत्व में चले हैं। चलिए आज का अंतिम सवाल, संभवतया निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला या कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। दुख की बात है कि डॉक्टर जो जगदीश चंद्र बोस थे उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी एस चंद्रशेखर अपन पढ़ाए थे, सी वी रमन हम पढ़ के आए थे, एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, सी वी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया है, इफेक्ट याद रखना सी वी रमन से रिलेटेड, ठीक है, सी वी रमन से रिलेटेड फैक्ट याद रखना क्या कि रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला गया 1930 में, ईयर भी पूछा है दो तीन बार, और इसी दिन रमन प्रभाव की खोज के दिन को ही क्या मनाया जाता है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो यह भी आप याद रखना, ठीक है। एस चंद्रशेखर को भी मिला है, सीवी रमन को भी मिला है, हरगोविंद खुराना को भी मिला है, जगदीश चंद्र बोस को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। मतलब अब दुख है ये भी, ऐसे ही गांधी जी हैं, गांधी जी के नाम पे शांति का नोबेल पुरस्कार कई लोगों को मिल चुका है, गांधीवादी सिद्धांत अपनाने वाले कई लोगों को मिल चुका है, लेकिन गांधी जी को आज तक शांति का नोबेल प्राइज नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, कुछ चीज़ें ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। खैर आपकी एक लास्ट क्लास और होगी विविध की, मिसलिनियस की, उसको कंप्लीट करके फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मेरा मन यूपी स्पेशल का, आप लोग क्या चाह रहे हैं बताते चलिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताते चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।